जी स्टूडेंट्स, आज आप सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, रिसॉल्व इन टू फैक्टर्स। इस क्वेश्चन नंबर 1 में हम गिवन पार्ट्स के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो पहले इसके वन पार्ट में देखें, ये एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, 5x² वाई माइनस 10xy², ये वाली एक्सप्रेशन जिन नंबर्स का प्रोडक्ट है वो हम नंबर्स फाइंड करेंगे। कैसे वो नंबर्स फाइंड होंगे देखें, पहले इसमें ये टू टर्म्स हैं, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो इन दोनों टर्म्स के पहले हम कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे, जो इन दोनों में सेम होंगे वो एलिमेंट पहले हम लिखेंगे। देखें इसमें 5 है, इसमें 10 है, ये दोनों 5 पे डिवाइड हो जाएंगे, तो 5 भी पहले कॉमन लिखेंगे हम। अब 5 के साथ हम अल्फ़ाबेट्स भी कॉमन लिखेंगे जो दोनों में सेम वेरिएबल होंगे। इसमें एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, तो दोनों के एक्स वाई पहले हम कॉमन लेंगे, यहाँ एक्स और वाई। अब एक्स वाई की पावर छोटी कॉमन लिखेंगे बाहर, ये एक्स की पावर 2 है, ये एक्स की पावर 1 है, तो इसी तरह ये एक्स बाहर आएगा। अब वाई की पावर भी छोटी आएगी, वाई की पावर 2, वाई की पावर ये 1, तो वाई ये बाहर आ गया। अब इसी तरह दोनों टर्म्स का कॉमन एलिमेंट होगा 5xy। अब दोनों टर्म्स के बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। पहले ये फर्स्ट टर्म का क्या बचेगा वो हम इस ब्रैकेट में पहले लिखेंगे। इसमें क्या बचेगा, 5 5 1 5 होता है, 5 बाहर आ गया तो यहाँ नहीं आएगा। अब एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 बाहर आ गई, बाकी एक एक्स की पावर अंदर बचेगी, एक्स की पावर 1। ये पावर ना भी मान लगाएं फिर भी ठीक है। अब इसमें आगे वाई है, ये भी बाहर आ गया, तो वाई इसके साथ नहीं आएगा। अब फर्स्ट टर्म में सिर्फ एक्स बचेगा, वो इस ब्रैकेट में आ गया। अब इसके आगे ये माइनस लगाएंगे। अब इसके आगे वाली टर्म में जो बचेगा वो भी हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे। देखें 10 है, 5 2 10 होता है, तो यहाँ 2 बचेगा। अब एक्स 1 है, एक्स 1 बाहर आ गया, तो बाकी इसमें एक्स नहीं लिखेंगे। अब वाई की पावर 2 है, वाई की पावर 2 में से वाई की पावर 1 बाहर आ गई, तो वाई एक ही अंदर आएगा। अब ये ब्रैकेट में ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब इसी तरह ये इसके फैक्टर्स हैं फर्स्ट पार्ट के। अगर हम इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला प्रोडक्ट आएगा, तो ये ऊपर वाला प्रोडक्ट होगा, तो नीचे वाले ये क्या है, फैक्टर्स। अब इसका ये टू पार्ट हम फैक्टराइज करेंगे, यानी कि इसके भी फैक्टर्स फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, इसमें देखें 3 टर्म्स हैं, 1 2 और 3। इन तीनों टर्म्स का हम कॉमन एलिमेंट पहले लिखेंगे। कॉमन एलिमेंट कौन सा होगा इसमें, देखें ये 2 है, ये भी 4 2 पे डिवाइड हो जाएगा, ये 6 भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा, तो इन तीनों टर्म्स का कॉमन एलिमेंट पहले हम 2 लिखेंगे। और अब अल्फ़ाबेट्स देखेंगे, तीनों में सेम कौन से हैं, कोई भी नहीं है, इसमें ए, इसमें बी, सी, तीनों ही डिफरेंट वेरिएबल हैं, तो इनमें सिर्फ 2 कॉमन आएगा, तो बाकी जो बचेगा हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इसमें 2 बाहर आ गया, बाकी क्या बचेगा, ए, फिर माइनस। अब 2 कितने ज़्यादा 4 होता है, 2 ज़्यादा, तो 2 आएगा, साथ बी आ जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे। अब 2 कितने ज़्यादा 6 होता है, 3 ज़्यादा, 3 बचेगा, फिर हम सी लगा देंगे। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसी तरह ये भी फैक्टर्स फाइंड हो गए इस टू पार्ट के। अगर हम इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला ही आंसर आएगा, ये प्रोडक्ट होगा ऊपर वाला। अब ये थर्ड पार्ट करेंगे हम। इस पार्ट में देखें ये 3 टर्म्स हैं, 1 2 और 3। इन तीनों टर्म्स का हम पहले कॉमन एलिमेंट लिखेंगे। कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे, देखें ये 3 है, 3 पे डिवाइड हो जाएगा, ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 6 भी, और ये 9 भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। तीनों टर्म 3 पे डिवाइड हो जाएंगी, तो 3 कॉमन लिखेंगे पहले। और इन तीनों टर्म्स में कोई अल्फ़ाबेट सेम नहीं होंगे, इसमें एक्स है, इसमें वाई, इसमें नहीं है, तो सिर्फ 3 कॉमन आएगा, बाकी हम जो बचेगा वो ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ये फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, 3 3 9 होता है, तो यहाँ 3 बचेगा, साथ एक्स की पावर 4 भी बच जाएगी, आगे प्लस लगाएंगे। अब 3 कितने 6 होता है, 2 ज़्यादा 2 लिखेंगे, साथ वाई स्क्वेयर ऐसे ही आएगा, फिर प्लस। अब ये 3 कितने 3 होता है, 1 ज़्यादा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब इसी तरह ये भी फैक्टर्स होंगे 3 पार्ट के। अगर हम इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला ही आंसर आ जाएगा, 9x की पावर 4 प्लस 6y² प्लस 3।